नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। खबर आ रही झालावाड़ से, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खेल संकुल से रवाना हुई। यात्रा का एसआरजी हॉस्पिटल के सामने महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति जिला सह संयोजक आमिर खान की अगुवाई में सैकड़ों कांग्रेसियों ने भव्य स्वागत किया है। स्वागत के दौरान राहुल गांधी जिंदाबाद व भारत जोड़ो के नारे लगाए गए हैं। स्वागत के दौरान जिला कांग्रेस के रईस पठान, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग संभाग सचिव अल्ताफ हुसैन नीलगर, पार्षद अकबर अंजान, जुगनू खान, आदिल खान, इमरान हुसैन, प्रभुलाल आदि मौजूद रहे। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मकसद एक ही है कि आज इस तरह से अल्पसभा में आप देख रहे हो कि राहुल गांधी जी को देखने के लिए जिस तरह से सड़कों के ऊपर जनसमूह उमड़ रहा है, उसके पीछे एक मकसद है। जिस तरह से राहुल जी ने नफरत की बात की है, देश के अंदर जिस तरह से अराजकता का नफरत का माहौल है, नफरत को मिटाने के लिए आप सड़कों पर निकले। और हमारा देश विभिन्नताओं में एकता वाला देश है, 36 संप्रदायों का देश है। वो चाहते हैं कि भारत के अंदर जो फास्टिस्ट ताकतें देश को तोड़ने में लगी हुई हैं, वो देश को जोड़ें, गांधी के देश को जोड़ें, अम्बेडकर जी के देश को जोड़ें, मौलाना अबुल आजाद कलाम के देश को जोड़ें, नेहरू जी के देश को जोड़ें, जिन्होंने इसकी नींव खड़ी करी लोकतंत्र के अंदर। आज इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ने के बावजूद भी आप लोग यात्रा में आए, क्या तुम? हमारा राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी बता रहे हैं ऐसी कड़ाके की सर्दी होते हुए भी वो ना धूप देख रहे हैं ना सर्दी देख रहे हैं, उसके अंदर भी वो पर यात्रा कर रहे हैं। और अधिकारी आने वाले टाइम में हम यही चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, यही जोश और खरोश रहेगा।